सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आपका एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं भाई हमारे चैनल पे, जिसके हम हर बार करते हैं। सो जैसे आपको बताया, इट्स 90s डेज 90s व्लॉग्स चैलेंज, जो कि मैंने ले रखा है 90s व्लॉग्स का। तो सक्सेसफुली आज मैंने 31 डेज है मेरा, तो 31 डेज मेरे मतलब 31 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि मैंने 1 तारीख से शुरू किया था, इस महीने लगातार व्लॉग्स बनाए, काफ़ी दिक्कतें हुई मुझे, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वीडियो रोज़ कैसे बनाते हैं, कैसे कंटेंट निकालते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, कैसे सब्सक्राइबर गेन करते हैं। और जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है अभी तक, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने मेरी इस जर्नी में अभी तक इतना साथ निभाया और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिए। और जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे, क्योंकि और अनसब्सक्राइबर करने में कुछ सब्सक्राइबर की और ज़रूरत और है। तो मैंने लगभग अभी अगर मेरे 8 सब्सक्राइबर जाते तो इस महीने मैंने लगभग 100 सब्सक्राइबर में गेन कर चुका हूँ। अगर आज मेरे 800 सब्सक्राइबर जाएंगे इस वाली वीडियो के बाद से, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे। बाकी यार इस बार दीपावली तो है, मतलब इतनी वो वाली फील नहीं आ रही, क्योंकि अभी अपने भाई बहन लोग अभी है नहीं ना। पिछली बार तो नंदूदा लोग भी थे, विंता जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, अभी उतने हैं नहीं। तो थोड़ा सा दीपावली का जो वो होता है ना मजा थोड़ा कम हो चुका है, बाकी अपने तरीके से तो हम इंजॉय तो करेंगे। अभी मैं यहाँ से यहाँ पे आया हुआ था, एक पत्ता, एक मतलब पौधा होता है ना वो पत्ता, जिसमें छोटे छोटे लाल लाल टमाटर के दाने से लगते हैं, वो यहाँ पे मिलता है अक्सर, मगर शायद इस बार नहीं है, वो तोड़ दिया है। मतलब अभी सीजन तो हो गई, वो अभी सीजन तो इन्होंने यहाँ पे सब्जी वगैरह उगाते हैं तो साफ सफाई में निकाल रखा है। एक्चुअली मेरे ख्याल से उस चीज़ से रीना के जो हाथ में वो दिक्कत हो रखी है वो ठीक हो जाएगा, मतलब जो उसका पका है ना, क्योंकि वो अक्सर वैसे वो नहीं मिला है, नहीं है, नहीं है, मतलब वो अक्सर जब वो कान पकता है ना किसी का, जैसे कान में पानी से पक जाता है कान, तो उस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से ठीक कर देता है वो, रीना का भी क्या पता उससे ठीक हो जाता है, क्योंकि रीना का भी ऐसे हाथ पक सा रखा है। और देखिए पापा ने सुबह सुबह पूरा बाट साफ कर रखा है, रास्ता साफ कर रखा है, मेरे गांव का बाटा दिखा रहे ना, आज दिखा का बाटा इज नॉट साफ, ये देखिए इसका हाल है। अरे आज पोसारा तो इससे ज्यादा ही हो गया, क्या करूं, मतलब ऐसे रेना की बॉडी में मैच तो कर रही है, देखिए ये भी ऐसे कप फेरो हैं, फेरो मतलब फेरी वाले। तो भाई कोई मुझे बताएगा कि ये जो फेरी वाले आते हैं ना, कि मुझे समझ नहीं आते कि ये पहले जो है इतना ऊपर, इतना चढ़ाई है हमारे यहाँ से ऊपर तक, वैसे एक अगर हम बैग लेके जाएं बाहर तो आफत आती है ऊपर तक लेके जाने में, तो मुझे इनका समझ नहीं आती कि इतना सामान लेके आते हैं, इतने सच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता होगा क्या। वैसे तो बेचते जो जितना रेट होता होगा उससे तो डबल रेट में ही बेचने की कोशिश करते होंगे, मगर फिर भी डबल तो क्या ही बेचेंगे, इतना तो पता चल जाता है कि आजकल कितना रेट कितना होना चाहिए कितना नहीं। बट मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये जब सामान बेचते हैं, इनका सामान भी बिकता नहीं है। एक गाँव में जो इनकी एक गाँव में बिके, एक तो सामान बिक गए तो बिक गए, हमारा गाँव इतना बड़ा भी नहीं है कि इनका कुछ ना कुछ बिक जाए। अब ये यहाँ से पता नहीं शायद इधर उधर गाँव तक भी जाते हैं, और कभी कभी तो एक बार जब ये रोड बन थे नहीं, यहाँ से आए थे गाड़ी में, आए थे गाड़ी में ही सामान भर के आए थे, फिर यहाँ से अलग अलग जगह गाँव में जाते हैं। क्या सच में इतना ज्यादा प्रॉफिट होता होगा इनको कि ये इतना सामान लेके जाते हैं। जो ये देखिए दोस्तों मेरे ब्रोकली के पेड़, बस इनकी गैपिंग ज्यादा रहनी चाहिए थी, इसमें तो शायद 2 या 3 पेड़ उगते, मगर इसमें 5 लगा रखे मैंने, बाकी बाद में देख लेंगे, 5 में भी चूँकि ठीक ही ग्रो कर रहे हैं, मगर इनके पत्ते सूख गए हैं पता नहीं क्यों, ये तो बढ़िया लगे हैं, मुझे इनकी उम्मीद ज़्यादा थी कि अच्छे लगेंगे, देखते हैं कुछ दिनों में और पता चलेगा। और देखिए ये देखिए दोस्तों ऊँ, एक ये आंवला, इतने देखिए पहाड़ी में ऊँ ऊँ भी कहते हैं, ऊँ मतलब आंवला भी बोल जाता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इनका आप जूस वगैरह बनाएंगे और अचार वगैरह बनाएंगे। तो भाइयों शाम हो चुकी, मतलब होने वाली है, ऑलमोस्ट सूर्यास्त हो रहा है, और हमारे यहाँ 2 मोस्ट वॉन्टेड हैंडसम गोरे चिट्टे लौंडे आए हुए हैं, इनको आप पहचानते नहीं होंगे वैसे। अब इनकी मैं पहचान आपको बताता हूँ, इनकी पहचान ये ऊपर सेल तली के है जो अंदा के बेटे, और ये उनके वहीं के वो भी सेल तली के हैं, इनके चाचा के, इसके चाचा के लड़के ये भी आए इधर घूमने फिरने। कैसा लग रहा है भाई पहाड़ों में, ऐसे वहाँ रहते हैं ना, शहरों में रहते हैं, देहरादून वाली शहरों में अच्छा मजाक है भाई, अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक कह रहा हूँ, बचपन से तो यही है ना,
तो ये मजाक छोड़ना है तो चाहिए ना। क्यों बचपन से कहा तुम इधर क्यों ही तुम बचपन तू तो है ही खैर तू तो विधायक कभी विधायक कभी रानी के रानी के पहाड़ी है पहाड़ तो है मतलब यहाँ इस गांव में इधर एरिया में कह रहा हूँ मैं। और ये भी आई आज शहर से मैं ये दिखा दिया मैंने अपने मैं आया हूँ साउथ अफ्रीका से। मजाक तो करो मजाक अरे यार मजाक ही कर रहा था यार वाला वाली आजकल वीडियो नहीं आती मैं तीन तक गिनूंगा तो अपना सबसे गंदा चेहरा बनाना ये वही वाली बात होगी। तो मैं तीन तक गिनूंगा अपना सबसे गंदा चेहरा बनाना रुक यार अभी नहीं बनाता सबसे लड़ता आपने मेरा। ओहो उल्टा पड़ गया यार जोक। मेहमान आई है तो यहाँ पे चाय पार्टी चल रही है भाई मेहमान के साथ नहीं पी रहे थे आप पीने लगे और यहाँ पे वो सर्व करने वाले भी आए हैं। अरे बताना था ना जब फिर से वापस दो जो वापस से ले गया हाँ तभी तो पता चली गई ना सही बात यार दिमाग तो है आपसे तो ज्यादा ही है और इतना काफी रहेगा। चलो लड़ो लड़ो चलो बिल्कुल नहीं है वहां पे है दिमाग तुम्हारा वो मेरा है तो सही आपको तो है गिरा है तुम्हारा दिमाग गिरा उठा लो कौन जीतेगा मैंने उठाया क्योंकि गिरा क्योंकि वैसे पंगा मत लो लास्ट में ही बोल सकती है ना हम रोज आएंगे ना हम रोज आएंगे ना अगर आपका अच्छा ऐसा कंटेंट मिल जाए तो कर दो यार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 1 लाख फॉलोवर इनके भी है ना तेरे भी हाँ 1 लाख माइनस साल कितने 1000 1 लाख माइनस 9000 ये 9000 नहीं यार 9700 9700 बहुत पूरा हिसाब लगा रखा है मैंने इसका। तो ये देखिए भाई कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा दिए हैं कल यहाँ पे लगाए थे ना अच्छा लग रहा है ना बस ये पार्क वाले मकान में ये वाला अच्छा लग रहा है यार सही लग रहा है और होता नहीं आता मैं वैसे मैं मंगाने वाला था और फोन करी किसी मगर उन्होंने फोन उठाया नहीं थोड़ा यहाँ तक भी होता ना मजा आता थोड़ा इसको उधर कर लेते बढ़िया रहता फिर तो पूरे में आ जाता मेरे ख्याल से मगर अब कोई बात नहीं यार। और देखिए पापा ने आंवला लगा रखे हैं आज ये मुझे नहीं पता क्यों लगा रखे हैं मगर पापा को कोई कुछ कह सकता है यार नहीं कह सकता है ना तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से लुक आया है लास्ट में ये रहा आज का दीपावली का लुक 31 तारीख वाली दीवाली ठीक है कुछ लोग जो है 1 तारीख को मनाने वाले हैं मगर हम 1 तारीख को मनाएंगे 31 तो कोई मनाएंगे क्योंकि ये 1 तारीख 2 तारीख के चक्कर में हम अपना फेस्टिवल वो मिस नहीं करना चाहते ठीक है तो हम आज भी मनाएंगे कल को भी मनाएंगे और यहाँ डीजे लगाए कॉपीराइट भी आएगा यार अब कट कर देंगे खैर ये रही अपनी छोटी सी दीपावली ये रहा डेकोरेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा तो क्या नहीं इतना शायद किया हाँ ये देखे दोस्तों ये चंदू दादा ये है ममता उनका ये है प्रदा उनका जी 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 बोला उधर को जा अरे हाथ डाला यार तुम डीजे भी थोड़ी देर बंद रखना वरना कॉपीराइट जाएगा। तो अभी हम बैलून जलाने वाले ये देखिए मेरो घर अच्छा लग रहा है वैसे लाइटिंग और तो अच्छा लगता है ये वाला ये देखिए अभी बैलून उड़ाने वाले हैं यार कौन सा बैलून होता है इसका नाम क्या होता है भाई जो भी होता है समझ जाओ तुम ये बैलून उड़ाने वाले हैं एंड पिछले साल जब दिवाली मना रहे थे तब मेरे पास आईफोन नहीं था बिनता दी के पास आईफोन था तो बिनता दी इतना क्लियर वीडियो बना पा रही थी देखो आज मैं भी क्लियर वीडियो बना पा रहा हूँ टाइम चेंज अगले साल क्या पता इससे अच्छा हो तो चंदू भाई सही बोल रहा हूँ नहीं लाओ ये शुभ काम मेरे हाथों से किया जा रहा है भाइयों चल यार मैंने पूरा दूसरा वीडियो अभी एडिट नहीं किया रखा है यार अरे झड़ेगा तो नहीं है चंदू भाई ये एक साइड से जा रहा हूँ अरे भाई जल जा अरे अरे हो चढ़ना यार रुक जा चंदू भाई जल्दी बैठना यार मिल जा रुक जा तो अरे हवा रोक रहा हूँ पागल यार समझती नहीं ना भाई हवा आ रही है करके तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यार रोक रहा हूँ मैं अपनी तरफ करना थोड़ा घर वाले भी ना मुझे समझते नहीं है खास करके चंदू भाई ना चल चंदू भाई ये सब काम मैं करो अपने हाथ से बता हैं ये सब काम मैं करो अपने हाथ से हाँ
मैंने नहीं देखा है, छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं देखता। मैंने देखा है, मैं देखने वाला था, मैं इनके भाई का वो देखा नहीं। चल मैं पकड़ू ना, उन उन्हें लगता मैं पकड़ूँ थोड़ा यार, लगना चाहिए ना यूट्यूबर बुला रहे हैं। चंदू भाई कल को उड़ाएंगे दूसरा। वैसे तो हमारे बहुत है, चार पिता के पास है, चार और तेरे पास स्टॉक, दो मेरे पास है, दो दिन और जाते हैं आज, ठीक है। और लोग कह देगी इससे लूट आग लगता है, भाई इससे लूट आग नहीं लगता, लूट मतलब जो गजे का लूट होता है, ये जब तक ये रोता है तब तक जलता है, उसके बाद तो बुझ जाता है वो ना। चंदू भाई ले पका और लंग उड़ रहा है ना, ना। जल गया आज जमल का, जल्दी छोड़ दिया। अरे भाई ये कागज नहीं जा रहा है, तुम जा रहे जल्दी नहीं जाएगा कागज। ना ना चली कौन रुक जा, थोड़ी देर में रुक जा, अब गैस बंद अपने आप जाएगा ऊपर को, छोड़ दे तू जा रहा है हो गया सुन इधर जा, ऐ खिजा ऐ जा, मैं धोना है जल गया यार, अच्छी कागज जल गया, उछाल उछाल तो हल्या मैं बेटा। ओह ओहो लुटक लग गया, मैं जाना आया था गए नहीं कागज से चल गया इसको, उड़ फूंक मार, फूंक मार, फूंक मार, आने कितनी ना ना आदम का, आदम का कागज चल गया, चल वो कर दी, बुझा जाएगा, बुझा दी, नहीं हो गई, बस बस चलो नहीं हो यार, अब तो हाथ हाथ गरम लग जल्दी, नहीं हो नहीं हो, प्लेन फेल, प्लेन फेल। चंदू भाई चलिए एक और लाते हैं, जैसे जिंदगी हमें कई मौके देती है वैसे हमें एक एक मौका और मिल रहा है, देखते हैं अब क्या हो पाता है भाई। अब यार वो गया नहीं भाई यार, अब क्या कर सकते हो, उसमें क्रैश हो गया, वो आया नहीं चंदू दा को, है सिलेंडर ऑयल की फर्क पड़ता है, भार भारी हो जाएगा ना सिलेंडर से ना, ना चंदू फूक मार दे फूक। एक और जाने लग गया, अभी पब्लिक कोई नहीं है, पब्लिक ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी देखो ये वाला मैं लेके ये वाला मैं लेके आया था, वो वाला चंदू था का, अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं ये उड़ता है कि नहीं, वो क्यों नहीं उड़ा होगा भाई, पूछता है भारत कि जलाया घट मैल चला के अपना टेढ़ा आला टेढ़ा कर रहा था उसको, तसो नीर भैया दगड़ियो लास्ट मारो मैं लगाने के, मुझे लगता है इस बार उड़ जाएगा, नीचे पकड़ ले दोनों। हाँ ओहो चंदू तकड़ा, फोटो खींच दो रुक जा, फोटो शूटिंग भी चल रही है साथ में। अभी उड़ जाएगा एम 100% श्योर, हल्का हल्का छोड़ जाना एल नहीं जाए यार, अभी हैं नहीं जाएगा, अभी बहुत ऐसा मैं धूम भरी अंदर हूँ मैं इसके अंदर ना गाइस, ये ऐसे धुआं भरता है ना ये, अभी से टाइम लग रहा है, आगे जो था उसकी लपटा बहुत ज़्यादा थी, उसने इसको जला दिया था, इसका कागज जल, इसका कागज जल गया था। फूक मार दे बना, गैस से उड़ती है मियो, और अगर अगर हम फूक डालेंगे ना जो इसके अंदर का गैस है वो निकल बाहर निकलने आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो होता है वो भारी होता है। एलन हो रहा है, चंदूदा कह रहे हैं अभी भी नहीं हो रहा है भाई, क्या हो गया, रिफंड मारना पड़ेगा अब लगता है, रिफंड मारना पड़ेगा। 30 रुपये मुझे, मेरे 30 रुपये चाहिए भाई, कोयले में क्या दम नहीं होता है चंदू, वो तो जली रहा है, क्या कह रहा होगा फिर ऐसा, ये जी हमें इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये रहा कुछ रिजल्ट, कुछ इस प्रकार से है, हमारे 30 रुपये यानी कि 60 रुपये बर्बाद हो गए ना भाई, गैस ही नहीं बन रही ऊपर को, चंदा कह रहे नहीं ना मैं दम ही नहीं है, सीलन हो सकता है सीलन यार, अब तो नहीं उधर, हाँ यार कल को धूप में रखेंगे क्योंकि फिर उधर लगे खत्म हो जाना है, इसके अंदर कॉटन है, हाँ यार ये जलाई नहीं है, ये तो गप्पे करने लग जाता है वरना, उड़ती पतंग। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, शायद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर प्लीज जरूर, अभी क्योंकि 8 सब्सक्राइबर करने में कुछ 10 की और जरूरत है, आई होप कि आप इस चीज को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे 90 व्लॉग्स की जर्नी में, आज मेरा पूरा एक महीना कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि 31 वीडियो लगातार मैंने बना दिए, इतना बना के तो करना ही चाहिए भाई, कृपा कीजिएगा हम पे, एक माँ की दुआ लगेगी। हाँ मेरी दुआ लगेगी, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक मांग सकते और कुछ नहीं, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, मगर ठीक जरूर मांग सकते, कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो।